लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कोरबा में हुआ शिक्षा दान महादान का कार्यक्रम, जिसमें कोरबा के सभी शिक्षकों ने शिक्षा के महत्व पर एक आयोजन किया, जिसमें बच्चों और सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के महत्व पर बहुत सारी जानकारी प्रदान की गई, जो कि आने वाले भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें शिक्षकों द्वारा की गई। इस आयोजन में भाजपा अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सूर्य ने निःशुल्क कैरियर काउंसिलिंग करवाने व पूर्ण मार्गदर्शन देने के लिए होने वाले सभी खर्च लेने की जवाबदारी ली और बच्चों को आगे बड़ी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। क्लिपर 28 के लिए बिलासपुर ब्यूरो चीफ विपुल मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों, चांपा जांजगीर जिले में सुकली गांव है। सुकली गांव में आज सुरवंशी समाज ने एक शिक्षा दान महादान पे बात कर रहे हैं, और महादान का मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा एजेंडा तैयार किया हुआ है जहाँ पे वो बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का दावा करते हैं। समाज से जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा दान महादान में इनकी विचारधाराएँ क्या क्या है। पहले तो ये जानेंगे कि शिक्षा दान महादान कब शुरुआत हुई। सर, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम शिव प्रधान है जी। और शिक्षा दान महादान अभियान टीम की शुरुआत विगत 19 वर्ष पहले हुई थी जी। पहले हम लोग एक कोचिंग सेंटर के रूप में इसकी स्थापना किए थे। उस कोचिंग सेंटर का परिणाम बहुत अच्छा रहा। उसमें 10 से अधिक टीचर, 12 इंजीनियर, पुलिस में, आर्मी में और 2 माइनिंग सरदार में शासकीय सेवाओं में चयन हुए हैं। तो हमने इस कार्यक्रम को समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए गांव-गांव में फिर हमने इसका प्रसार किया, और यह जो कार्यक्रम है बहुत ही अविस्तृत रूप से हम लोग हर साल करते हैं। इसमें हम समाज में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली महिलाओं का, महिला समितियों का, पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों का और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ठीक है, ये 19 साल पहले से, लेकिन ये पूरी तरीके से फुल फ्लैश में ये संस्था कब सामने है? फुल फ्लैश पे जुलाई 2012 से। 2012 से पहले कोचिंग के रूप में। कितने सदस्य होंगे सर इसमें? इसमें 13 सदस्य। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का? रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, क्योंकि अच्छा। जब से शुरू किए हैं, ये तीसरा कार्यक्रम है सम्मान समारोह का। इसके पहले 3 संविधान दिवस मना चुके हैं, तो संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है बच्चों का। लगभग कितने बच्चे होंगे? बच्चे का तो लगभग 300-400 करीब होंगे, साथ में उनके पालक भी हैं। संख्या 1000 में, लगभग 1000 चल रहा है। ये क्या पूरी तरीके से निःशुल्क रहता है? हाँ, निःशुल्क रहता है, पूरा निःशुल्क रहता है। कार्यक्रम का जो भी खर्चा है, जितने टीम के सदस्य हैं, वो सभी उठाते हैं। आज जन सहयोग भी मिला है, आज सहयोग भी दिए हैं, तो सहयोग लेते हैं और मांगते नहीं हम लोग, है ना। अपने स्वेच्छा से कोई दे दो, ठीक है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, अलग अलग रूप में, जैसे शुरुआत हम लोग किए थे करियर मार्गदर्शन के रूप में, उसके बाद हम लोग उसको परीक्षा पूर्व तैयारी, बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, उसके बाद अगला क्रमशः जो है सम्मान समारोह का था। अब आने वाले समय हम जैसे बालिका शिक्षा पर काम कर रहे हैं, पर्यावरण प्रति काम कर रहे हैं, और खास करके अब कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि भाई आप लोग समाज में नशा बहुत ज़्यादा है, नशा खोरी, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आने वाले समय में जो जो बिंदु हम तैयार किए हैं, टारगेट किए हैं, उन सब में हम धीरे धीरे काम करेंगे। और आज तो यहाँ का जो जनसमूह देखकर हमको ये लगा कि हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, और इसके लिए जितने भी टीम के सदस्य हैं, 13 सभी जी जान से जुटे हुए हैं। शिक्षा सही सोच नहीं पे बात करेंगे, कुछ हम ऐसी महिलाओं से भी जानेंगे कि उनकी क्या सोच है शिक्षा के प्रति। मैम, क्या नाम है? क्या लगता है कि क्या विजन है शिक्षा समाज का, ये कहाँ तक जाने वाली है? अब विभूल तो बच चुकी है शिक्षा का हमारे सुरवंशी समाज के युवा पीढ़ी का। आज देखने को बहुत हद तक उत्साहित दिखी भी है कि हमारा समाज अब शिक्षा की तरफ अग्रसर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और हम समाज के मुखिया होने के नाते से हम सब चाहते भी थे कि हमारे समाज में हमारे बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं, ताकि जो है ऊंचे तबके के लोग, मानने वाले लोगों के सामने में हमारे बच्चे सिर ऊंचा करके बोल सके कि हम सूर्यवंशी समाज से हैं, हम बाबा साहब के DNA से हैं, और हम भी कुछ बन के दिखाएंगे। ऐसा जुनून आज हमारे अपने बच्चों को देखने को मिला है। आज का हमारा ये सभा भवन का कार्यक्रम 100% सक्सेस रहा है, और शिक्षा वो माँ की शेरनी है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो तो आज हमको मतलब बढ़ चढ़ के शिक्षा दान महादान का हम जितना तारीफ करें,
कम है। आज का कार्यक्रम को देख करके लग रहा है हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस शब्दों से सम्मान करें शिक्षादान महादान का, क्योंकि हम सिर्फ बोलते भर हैं करते नहीं हैं, लेकिन शिक्षादान महादान वाले लोग हैं जिन लोग बोल के नहीं करके दिखाए। और आज ये भीड़ है, अपने से आए हुए लोग हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से हमने अपने सब लोगों को निमंत्रण दिया और आज सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब हमारे समाज में बिना पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या बहुत कम हो गई है, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे बच्चे लोग जितने ही अधिकारी कर्मचारी बनते जाएंगे उतने ही हमारे सूर्यवंशी समाज का नाम कुछ होगा। जैसा कि बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि ये समाज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैम मैं एक सवाल और है आपसे कि क्या सिर्फ सूर्यवंशी समाज का बच्चा ही शुल्क पढ़ेगा, दूसरे समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? नहीं, सभी समाज के जो हमारे शिक्षादान महादान के टीम में सम्मिलित होना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम। उनके पेरेंट्स उनको लेकर के आए, हमारा टीम जो है उनको शिक्षा देने में कहीं पे भी कास्टिज्म नहीं है, कहीं पे भी हम सिर्फ एक समाज की नहीं, आज हमारा सामाजिक भवन है, हम समाज के दायरे में रह के बात कर रहे हैं इसलिए है। अपितु जितने भी हमारे ST SC OBC के जो बच्चे हैं वो लोग गरीब तबके के बच्चे हैं, उन सब का मोस्ट वेलकम, हम सब का सम्मान करते हैं सबको शिक्षा देने में। शिक्षक वो शिक्षक होते हैं जो किसी को आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वो जाति पाति नहीं देखते हैं, वैसे ही हमारा शिक्षा दान महादान का है। यदि और समाज के लोग हमारे टीम में जुड़ करके अपने बच्चों को शिक्षा प्रदाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनको बढ़ चढ़ के पढ़ाएंगे, जितना हमसे बन पाएगी उतना हम सामाजिक तौर पर उनका आर्थिक मदद भी करेंगे। सर एक बात और जानना चाहेंगे, कोई बता सकता है क्या कि इसका कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई कांटेक्ट करने का कौन बता सकता है? आप बता दो, बताइए क्या नाम लिखते हैं सर? मैं धनीराम रत्नाकर, अध्यक्ष शिक्षादान महादान फाउंडेशन का। जी सर, ये इसमें मुझे जानकारी ये चाहिए कि जैसे कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी शहर से हो, अगर वो आपसे जुड़ना चाहे, आपकी सोच पे आपके साथ काम करना चाहे या पढ़ना चाहे, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? सर हम लोग हमेशा, हम लोग का YouTube चैनल भी चल रहा है और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अपना जो मोबाइल नंबर है, WhatsApp नंबर है, हम सब दिए हुए हैं उसमें, जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहे वो बेशक हमसे कॉल करके, हमसे संपर्क करके अपने इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये देखिए, अब तक तो ये बड़ा भारी शब्द लगता है शिक्षा दान महादान, ये अब तक किस्से को कहानियों में सुनने को मिला है, लेकिन आज यहाँ की जो हुजूम, ये भीड़ और इस तरह के प्रोत्साहन करने वाले जो लोगों की सहमति यहाँ पे दिखने को मिली है, इससे मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में शिक्षा दान महादान का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। कैमरा मैन प्रणव के साथ विपुल मिश्रा, Clipper 28। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.